So, forget about what is the instrument. Here it is Aussie dollar, means Australian dollar against US dollar. It may be anything and everything which is traded in the market, be it crude oil, be it treasury yields, be it anything. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल ये क्या डाउन ट्रेंड है? हेलो, Yes, this is a डाउन ट्रेंड, बट दिस इज आई थिंक वो फ्रॉम दैट. सो देर आर पीक्स है थोड़ा सा बीच में, बट इट्स हाँ, अ वो छोटा डाउनवर्ड छोटा ट्रेंड भूल अभी. जाओ, ये जो छोटा छोटा पीक्स को भूल जाओ, बड़े बड़े पीक्स को पकड़ो। ये पीक है क्या? ये एक पीक है, उसके बाद ये एक एक पीक पीक है, है, ये एक पीक है, दूसरा, ये तीसरा. छोटा छोटा बीच में हाँ उसको मत पकड़ो, नहीं तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन अच्छा, आ जाएगा। ये एक पीक है एंड सो ओके. ऑन। और डाउन में ये पकड़ो, मेजर टॉप्स और मेजर बॉटम्स को पकड़ो, भी इन बिटवीन छोटा छोटा काफी कुछ आएगा, उसको मत पकड़ो। ये हो गया डाउन ट्रेंड, दैट मीन द डाउन कि ट्रेंड. हाँ, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये जो लो बनाया है, ये लो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, नीचे से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तब प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाएगा, उसके बाद हाई को तोड़ेगा, एंड हो गया हायर हायर। तो यहां तक ये बनाया, बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी था, एंड उसके बाद फिर ट्रेंड रिवर्सल का कैरेक्टरिस्टिक्स देख। ये एक टॉप था, उसके बाद यहाँ पे एक टॉप आया विच इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। यहाँ पे एक लो है, उसके बाद लो यहाँ पे आया विच इज लोअर देन द प्रीवियस, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर दादा, क्लियर. उसके बाद अभी क्या कर रहा है ये? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, क्या अभी है? आपका ये एक्यूमुलेशन होगा दैट इज फाइन, आइदर इट इज एन एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नीचे आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऊपर आएगा जाएगा तो एक्युमुलेशन होगा। लेकिन ये साइडवेज है एक्यूमुलेशन. या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? ये साइडवेज है, ये साइडवेज होके थोड़ा सा ये डाउन की तरफ आया था, हाँ, वो तो लेकिन चलेगा, उसके लेकिन बाद ये फिर से गया. नॉनस्टॉप एक फैशन नहीं है, रेगुलर एक ऑर्डर नहीं है। हाँ, उसके ये बाद हाँ, तो फिर ये ये अभी, साइडवेज ही होगा. तो फिर हाँ यहाँ पे देखो, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल अप, यहाँ तक कंटिन्यूअसली मेजर पीक्स को पकड़ो, आप हाईज एंड लोज को पकड़ो, छोटा छोटा बीच में उसको इग्नोर करो। इसको पकड़ने जाओगे ना, एक एक करके गिनते जाओगे तो पागल हो जाओ, उसको नहीं करना। सिर्फ मेजर हाईज एंड मेजर लोज को पकड़ना, ओके. नॉट ईच एंड एवरी। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया आपके बातों से, मैं समझ गया कि हर एक हाई को एंड हर एक लो को मत पकड़ो, कंफ्यूजन हो जाएगा। मेजर जो मीन्स टर्मिनल पॉइंट्स, यहाँ से अगर हमको दिल्ली जाना है तो हर गली का नहीं, मेजर पॉइंट्स को हमें देखना है। यहाँ से हमको अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से हमको राजस्थान घुसना है, उसके बाद ये रास्ते हो कि हमको जयपुर जाना है, जयपुर से हमको ये पकड़ना है आगरा हाईवे, जो भी व्हाट एवर इज देयर टू दिल्ली। सिमिलरली इस, लेकिन यहाँ से जब हम अहमदाबाद जाएंगे, कितना यू टर्न सर्किल घूम के जाएगा, लेफ्ट मारेगा राइट मारेगा, किसी को पता नहीं। सो हमें मेजर टर्मिनल पॉइंट्स पकड़ना है, स्टेशंस, मेजर स्टेशंस को पकड़ना है, वो आइडेंटिफाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हाई बना एंड ये हाई हुआ, व्हाट इट इंडिकेट्स? लोअर हाई और हायर हाई। बोलो। हेलो, ये आपका हो जाएगा अभी, ये लोअर ट्रेंड भी होगा. ना ये हाई, मेरा क्वेश्चन है ये लोअर हाई है या हायर हाई?
पहला वाला ये हायर हाई है और दूसरा वाला ये लोअर हाई है. यानी इट इज मेकिंग लोअर हाई, करंट हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, यस यहाँ पे एक मेजर लो है एंड उसके बाद यहाँ पे एक मेजर लो है, ये क्या बना रहा है, हायर लो और लोअर लो? लोअर लो. दैट मीन्स वन, इस पॉइंट में जैसे ही इस लो को तोड़ दिया एंड देयर बाय मेकिंग ए फ्रेश लो, दैट मीन्स इस पॉइंट के बाद इट इज कंसिडर्ड एज ए लो डाउन ट्रेंड। क्लियर? क्लियर है. ओके अभी आते हैं मान लो से निफ्टी, निफ्टी 50, उसका भी देख लेते हैं क्या है। अभी आप बोलो यहाँ पे दे रहा है, इस जोन में ये क्या बना रहा है, साइडवाइज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया। ये आपका ये साइडवेज है. साइडवेज होके देन इट इज गोइंग फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेंड. यस, उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेश लो बनाया, ये कोरोना का जो लो था, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया, ये जो लो है इस लो इज हायर देन द प्रीवियस लो, क्लियर? क्लियर. ये फर्स्ट इंडिकेशन, कंफर्म नहीं, इंडिकेशन के नाउ द लो इज, ये पॉइंट में आने के बाद 7 अप्रैल 2020 के आने के बाद एक इंडिकेशन कि इट फेल टू मेक फ्रेश लो। अभी कंफर्मेशन कब होगा, जब इस हाई को ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ, दे आर बाय मेकिंग हायर हाई। क्लियर? उसके बाद देखो क्या किया, ऊपर तक गया और यहाँ पे आने के बाद एक साइडवाइज कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा डाउन ट्रेंड, फिर मींस ये जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड के अंदर में भी ट्रेंड होता है, बड़ा ट्रेंड के अंदर में छोटा ट्रेंड, छोटा ट्रेंड के अंदर में और मिनिएचर ट्रेंड हो सकता है, बट जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है। ये पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कंफर्म आया या ये स्विंग हाई देखने के बाद आपको कंफर्मेशन मिला कि ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे, ओके. ये रेड एरो पे या ये रेड एरो पे, कंफर्मेशन कहाँ पे आया और नीचे इंडिकेशंस कहाँ पे आया, वाले रेड एरो में. ये वाला, यस. इसमें इंडिकेशन आया, कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन ओके. यहाँ पे आया, कब आया, जब प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर भाग गया बंदा। क्लियर? ओके. यहाँ पे देखो एक डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बना के फिर यहाँ पे एक चैनल डाउन आएंगे, चैनल क्या होता है, उसके बाद यहाँ तक आया, ये करंट फेज पे क्या है, ये निफ्टी। अप ट्रेंड है ये या आपका डाउन ये ट्रेंड है? करेक्ट। आपका अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है. तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कब होगा, जब ये जो हाई बनाया है उसके बाद नीचे आ रहा है एंड इट फेल्स टू ब्रेक अबव दिस हाई,
उसके बाद ये फर्स्ट इंडिकेशन होगा, उसके बाद ये लो है, इसके लो के नीचे आएगा, देन इट इज कंफर्म कि ये जो अप ट्रेंड है अभी कुछ समय के लिए हॉल्ट हुआ। ये कुछ समय 15 दिन के लिए भी हो सकता है, ये कुछ समय 6 महीने के लिए भी हो सकता है, किसी को पता नहीं। बराबर। बराबर। और एक नजर देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी। ये वाला कोरोना वाला टाइम का था, देखो यहाँ पे हॉचपॉच किया। कैसा हॉचपॉच किया? हाई को भी तोड़ा, लो को भी तोड़ा, समथिंग लाइक दिस, नॉट क्लियर। लेकिन ये पॉइंट में आने के बाद एक इंडिकेशन आया कि थोड़ा सा संभल जाओ, फिर इस हाई को तोड़ के जब ये फ्रेश हाई बनाया, यानी कंफर्म्ड हो गया, अभी ये जो कोरोना वाला सेल ऑफ है वो हॉल्ट हो चुका है। एंड उसके बाद देखो कैसे, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर वन और ये पॉइंट नंबर टू। पहला वाला इंडिकेट करेगा, दूसरा वाला कंफर्म करेगा कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। बिकॉज आज हमारा क्या टॉपिक है? ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता चलता है? ये हो गया आपका डेली, उसके बाद देखो कैसे हायर आए हायर लो, थोड़ा सा साइडवेज फिर हायर आए हायर लो, इसके बीच में भी छोटा एक डाउन ट्रेंड साइडवेज, फिर मींस ऑल मिक्सचर्स। अप ट्रेंड इज नॉट एन एंटायरली अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में भी थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा, थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड रहेगा, फिर एक अप ट्रेंड रहेगा, मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अभी यहाँ पे आपका क्विज है, आप बताओ यहां से यहां तक क्या ट्रेंड है? ये अपवर्ड एकदम टॉप में जाके क्या दिख रहा है आपको? टॉप में जाके वो फिर से थोड़ा सा ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा। यहाँ पे एक लेटेस्ट स्विंग हाई है, हाँ उससे पहले एक छोटा लो था, स्विंग लो हाँ था, छोटा लो था। उसके बाद एक इसको नीचे तोड़ के आ गया है। यहाँ पे लो को तोड़ा पहले। अभी अगर ये आने वाले दिनों में इस हाई को तोड़ देगा तो ऊपर फिर कंटिन्यू? हाँ तो ये तब तो ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन इफ इट फेल्स टू ब्रेक अबव हाई, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है, व्हाट इट मींस? ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल। रिवर्सल, ट्रेंड अभी करेंटली रिवर्सल। हमें क्या मिल रहा है? अभी करेंटली हमें मिल रहा है इंडिकेशन कि शायद ये रिवर्स होने के लिए तैयार हो रहा है। कंफर्मेशन कब आएगा? एक फ्रेश हाई बनाएगा, जो हाई इस हाई को तोड़ेगा नहीं। कौन सा डेट का हाई? 6 जुलाई के हाई को तोड़ नहीं पाएगा, रेदर जो अभी का लो है उसको तोड़ के नीचे आ जाए, देन इट इज कंफर्म कि ये गया। अभी ये अप ट्रेंड हो गया, अभी एक डाउन ट्रेंड आने का प्रोबेबिलिटी है, वो छोटा डाउन ट्रेंड होगा या बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड होगा, ओनली टाइम विल टेल। इस लेवल से अगर मान लो ये डाउन ट्रेंड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 500 पॉइंट तक आएगा, 2000 पॉइंट तक नीचे आएगा या 5000 पॉइंट तक नीचे आएगा, कुछ हवा नहीं है। वी आर नॉट डिस्कसिंग इट हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल पॉइंट्स। ये टर्मिनल पॉइंट्स अगर हमको आइडिया आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा जो अगर लॉन्ग पोजीशंस होगा तो उसको हम निकाल सकते। क्लियर? क्लियर। अभी एक कोई भी एक स्टॉक का नाम बताओ। अदानी ग्रीन।
अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप्स, अदानी ग्रीन। हाँ ये अभी अदानी ग्रीन हाँ एनर्जी। हाँ अभी आप चार्ट बोले, आपने बहुत सीख लिया। यहाँ पे क्या हुआ? वो हिंडनबर्ग का जैसे ये रिपोर्ट आया, तो एकदम पूरा ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा ये एनालिसिस नहीं कि हिंडनबर्ग आया या राजीव गांधी आया, जस्ट क्या हुआ वो जानना, ठीक है? उसके बाद अभी क्या हो रहा है आप बताओ। ये। उसके बाद यहाँ से फिर से वो रिकवरी करके उसने ये किया, एक ये बैलेंस पोजीशन पे आया। ये क्या साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है या हाँ डाउन ये ट्रेंड? साइडवेज है, नहीं ये साइडवेज दिस साइडवेज मे बी एन एक्युमुलेशन और मे बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर? हमें कुछ पता नहीं ये एक्युमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्युमुलेशन? आने वाले दिनों में ऊपर जाना है गोइंग या अपवर्ड। अपवर्ड, और नीचे आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लियर? लेकिन हम आशा करते हैं क्लियर कि ये एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। एक्यूमुलेशन अरे नो तो हाँ ये हो गया, मीन्स दिस इज अबाउट ट्रेंड। अगेन आई रिपीट, देयर आर थ्री थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। वन इज अप ट्रेंड, वन इज डाउन ट्रेंड, थर्ड वन इज द साइडवेज। इस ट्रेंड के साथ हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ ए मार्केट, ऑफ ए प्राइस एक्शन, डिफरेंट फेजेस ऑफ ए प्राइस एक्शन हमने उसको लिंक करने का प्रयास किया। उसमें हमने चार फेज देखा, एक्युमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, क्लियर? तो यस सर यहाँ पे ये क्या हुआ? ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले, इसके पहले अभी मार्कडाउन हो, ये मार्कडाउन हो, रेड वाला मार्कडाउन हो, क्लियर? उससे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक्युमुलेशन हो, हुआ नहीं है, रेदर इट इज टर्न्ड आउट टू बी ए डिस्ट्रीब्यूशन, ये ब्लैक वाला। फिर यस डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, होप इट इज एन एक्युमुलेशन नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो डिफरेंट फेजेस ऑफ ए प्राइस एक्शन, आपको क्लियर हो गया? यस चलो आज के लिए इतना ही, कल और कुछ देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है? चलो श्योर श्योर ओके थैंक यू।